हेलो एवरीवन, देखिए थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.9 में क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल इफ स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ठीक, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, क्लियर, इसको नाम देते हैं ए बी और ये रहा सी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रेंगल है और ये मैंने बनाया है ऐसा, ठीक है, राइट एंगल बनाया है, लेकिन आप इसको मत समझना कि ये राइट एंगल है। ठीक है, क्यों, उसको हम प्रूफ करेंगे ना कि एंगल बी 90 डिग्री है। वो देखो कैसे कहता है, इन ए ट्रेंगल इफ स्केयर ऑफ वन साइड, जैसे मान लो स्केयर ऑफ वन साइड ये ए सी, ठीक है, स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब मान लो ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड कौन सी कह रहा है, जो ये पहले कहा था वन साइड इज इक्वल टू, है ना, स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, ये वाली फर्स्ट साइड है, तो ये फर्स्ट साइड हुई ए सी, इसके अपोजिट, ठीक है, एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये फर्स्ट साइड के अपोजिट ये वाला एंगल क्या प्रूफ करना है आपको, 90 डिग्री प्रूफ करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो गिवन ये है आपको, ठीक, कि एक साइड का स्केयर इक्वल है सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स, क्लियर। और टू प्रूव क्या करना है आपको, इसमें टू प्रूव करना है कि जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है, तो एंगल बी आपको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है ये, सबसे पहले तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक, क्लियर, इसको नाम दे दो ये पी, ये क्यू और ये आर। राइट एंगल ट्रायंगल खुद से मैं कह रहा हूँ कि ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन विच, और कैसे बनाना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये पी क्यू जो है ना, ये कितनी लेनी है आपने, जितनी इसमें ए बी है, ठीक है, इन विच पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, और जितनी ये बी सी है उतनी ही कितनी ड्रॉ करनी है इधर क्यू आर, ठीक है, और आपके पास जो क्यू आर है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, इतनी बार, उसके बाद देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका। देखो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, अगर हमें पता है जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल, ठीक है, ये एक राइट एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री, तो अप्लाई हो सकती है, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने प्रीवियस की थी, क्या थी पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्केयर, अभी 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, तो ये हो जाएगी आपके पास पी आर का स्केयर इक्वल टू में पी क्यू का स्केयर प्लस क्यू आर का स्केयर, ये आ गई भाई पाइथागोरस या नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसमें कहा था कि पी क्यू कितनी ली है, ए बी के बराबर, और क्यू आर बी सी के बराबर, तो पी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी, और स्केयर है पी क्यू का, तो ए बी का भी स्केयर हो जाएगा, ऐसे क्यू आर की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा यहाँ पर, बी सी, और क्यू आर का स्केयर है तो बी सी का भी स्केयर होगा, ये हमने कहाँ से किया, बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर है इतनी बात, और इधर पी आर का स्केयर ही है या नहीं बताओ, सिंपल है इतनी बात। ठीक है, अब देखो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और जो हमें गिवन है वो क्या था, ए सी का स्केयर इज इक्वल टू में ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, ये हमें क्या है, सेकेंड इक्वेशन गिवन थी, क्लियर। इनको कंपेयर करो, देखो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब पी आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्केयर के, स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो इसका मतलब पी आर इक्वल टू ए सी आ गया, पी आर इक्वल टू ए सी आ गया, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखो अगर इतनी बात आपको क्लियर है, और बाई कंस्ट्रक्शन हमें पता था पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए बी, और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये कहाँ से थे, बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये देखो जरा पी आर, दिस पी आर इक्वल टू दिस ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड दिस क्यू आर इक्वल टू बी सी, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो तो क्या बोलते हैं हम, सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ तो साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, सीधी सी बात है या नहीं। ठीक है, तो अगर इतनी बात आपको क्लियर है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी होगा या नहीं, तो एंगल बी जो है हमारे पास, एंगल बी वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, बाय सीपीसीटी या नहीं,
ठीक है, ये तो पता है ना बाईसीपीसीटी क्या होता है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। क्लियर इतनी बात। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और एंगल क्यू कितना था हमारे पास 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल बी भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल क्यू कितना था 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से ये गिवन था हमारे पास, या नहीं? तो एंगल बी ही हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था, और ये हम प्रूफ कर दिया। क्लियर। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्यों? देखो, अगर आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम में क्या गिवन होता था, हमें राइट एंगल गिवन होता था, और हमको ये चीज़ प्रूफ करनी होती थी, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज़ गिवन है आपको, और आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है ना, कि ये क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसका उल्टा बिल्कुल प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है? ओके, थैंक यू।